आई थिंक बदलना ही बहुत बड़ी बात है और बदलते रहना चाहिए इंडस्ट्री को। जहां से शुरू हुई वहीं रुक तो नहीं सकती जी। जब हमने फिल्में बनाना शुरू की तब भी बदलाव आया, चेंजेस आए और आज तक चेंजेस चलते आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी में भी आते हैं, परफॉर्मेंसेस में भी आते हैं और मेरा ख्याल है सब्जेक्ट मैटर हो या कहानी हो, चलिए शायद बेसिक चीज़ें वही हैं और अच्छा भी है कि वैल्यूज़ के साथ हम कोशिश करें फिल्मों को बनाना। लेकिन ये ज़रूरी है कि आज की ऑडियंसेस को भी बातें वो पसंद आए और अप्रिशिएट करें और एक नई बोतल में पुरानी चीज़ें वापस अच्छी तरह से और आ जाए जी। किरण मैम, आपका क्या कहना है इस बारे में? जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। लव विल ऑलवेज एग्जिस्ट, हेट विल एग्जिस्ट, एंगर विल एग्जिस्ट। सिर्फ टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ हमारा उन्हीं चीज़ों को पोर्ट्रे करना और सोच जो है वो थोड़ी सी बदल जाती है। सो यू कैन टेक द सेम स्टोरी फ्रॉम द पास्ट एंड अपडेट इट। द रोमांस विल स्टिल स्टे, इमोशंस विल स्टिल स्टे, लेकिन उसमें आप एक नयापन, मोबाइल्स आ जाएंगे, ईमेल्स आ जाएंगे, ये सब चीज़ें आ जाएंगी टू मेक इट अपडेटेड, बट ह्यूमन इमोशंस विल ऑलवेज स्टिल द सेम। बहुत सीक्रेटिव है। एंड हियर वी आर।